उत्तर प्रदेश के बादियों जिले में मंगलवार को डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। सैलून संचालक साजिद ने विनोद के घर घुसकर दो बच्चों की उस तरह से हत्या कर दी। जब वे हत्या करके तीसरी मंजिल से नीचे उतरा तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। इलाके में चर्चा है कि हत्या तंत्र मंत्र के कारण की गई है। बादियों की बाबा कॉलोनी में ठेकेदार के घर घुसकर उनके दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। सैलून चलाने वाले साजिद ने वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज वारदात से शहर में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। उधर वारदात के 3 घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यूपी की पीलीभीत पर अभी तक किसी भी दल ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा से वरुण गांधी का टिकट कटा तो वे दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी की पीलीभीत सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए आज से नॉमिनेशन शुरू होने जा रही है, लेकिन अब तक बीजेपी और सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने नई बिसात बिछाई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों से आस है। प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्येक से कम 1 विधायक को भाजपा ने मंत्री बनाया है। जहां भाजपा मजबूत है उसी क्षेत्र में भाजपा ने दांव खेला है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव मंगलवार देर रात राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव से मिलने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर थी। हालांकि अभी तक इस पे आधिकारिक बयान आना बाकी है। इन दिनों एलवीश यादव मुश्किल में है। सांप और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में एलवीश पर NDPS एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इस बीच मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो यूट्यूबर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर KL राहुल ने अपने परिवार के साथ उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। KL राहुल के साथ उनके माता पिता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल का जल अभिषेक भी किया, साथ ही वह भस्म आरती के लिए भी शामिल हुए। बता दें कि क्रिकेटर KL राहुल अपनी पत्नी अथिया शेट्टी के साथ भगवान महाकाल के दरबार में भी पहले हाजिरी लगा चुके हैं। खान पान के उत्पादनों की आपूर्ति करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Zomato एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। दरअसल मंगलवार को CEO दीपेंद्र गोयल ने एक ऐलान किया कि शाकाहारी भोजन के लिए तहजीन देने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्योर वेज मोड सेवा शुरू की जा रही है।